जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में, जहां पर मैं आपको टाइप 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताऊँगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कि टाइप 2 प्रॉब्लम है, उसको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। और इसको जाने से पहले आप जो है कि इसका जनरल फॉर्म जान लीजिए क्या है। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ़ दी फॉर्म इस प्रकार का फॉर्म में रहे, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू के फॉर्म में रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ये टाइप 2 फॉर्म का है। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमें आपको बताऊंगा। तो लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है ना। टाइप 2 प्रॉब्लम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। टोटल चार प्रकार का टाइप होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल चार प्रकार होता है, ठीक है ना, जिसको मैं बताऊंगा बारी बारी से, और उसका रिड्यूसिबल फॉर्म्स भी बताऊंगा बारी बारी से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बाबू, ठीक है, कि जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू रहे, तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व करता है, ये देखिए। तो लाइक दिस सिमिलर टॉपिक यू कैन लर्न इन ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कलरट्स इक्वेशन। यानी कि इसी चीज़ को आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में पढ़ा था कलरट्स इक्वेशन में, यही चीज़ को, है ना। देयरफॉर टाइप 2, ये जो टाइप 2 है, इसी वजह से इस टाइप 2 को क्या कहा जाता है, इज नोन एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्रू एनालॉगस ऑफ कलरट्स फॉर्म, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग कलरट्स फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलरट्स फॉर्म भी कहते हैं। कलरट्स फॉर्म का ये एनालॉगस है, समझे कि नहीं समझे, ये क्या है, कलरट्स फॉर्म का एनालॉगस है। क्लियर हो गया? तो एनालॉगस मतलब समझते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और एक आपने क्लास 12th में पढ़ा था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है कि ग्रेविटेशन लॉ का एनालॉगस है, ठीक इसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में आपने कलरट्स इक्वेशन पढ़ा था, तो कलरट्स इक्वेशन एनालॉगस है किसका, या फिर ये जो टाइप 2 आप पढ़ रहे हैं वो किसका एनालॉगस है, कलरट्स इक्वेशन का, समझ रहे ना, उसी के जैसा ही जस्ट है। आइए, तो PDE कंटेनिंग ऑल एक्स वाई जेड पी एंड क्या, मतलब ये इस PDE में क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो जेड भी रहेगा, एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, और पी भी रहेगा, और क्यू भी रहेगा, है ना, सारा का सारा। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वर्किंग रूल समझिए। वर्किंग रूल, राइट द गिवन PDE इन स्टैंडर्ड फॉर्म 2। सबसे पहले अगर वो PDE मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में नहीं है, तो उसको रिड्यूस करके लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में, और अगर है तो अति उत्तम, है ना, सोने पे सुहागा। अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर टाइप 2 के फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको अगर रिड्यूस कर सक रहे हैं टाइप 2 के फॉर्म में, तो आप रिड्यूस कर लीजिए। इसके बाद P के जगह पर A पुट कीजिए और Q के जगह पर B पुट कीजिए गिवन इक्वेशन में, और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का कोशिश कीजिए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा, तो सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रिटन एज, ये स्टेप 3 में काम करना है। तो P के जगह पर A पुट कर दीजिए, Q के जगह पर B पुट कर दीजिए। देखिए, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्या, ये जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें P के जगह पर A पुट कर दीजिए और Q के जगह पर B पुट कर दीजिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। और इसके बाद आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए भी मैं बताऊंगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन समझने से पहले, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका लेक्चर नंबर 9 में, तो लेक्चर नंबर 9 अभी नहीं बता रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 8 यहीं तक बताऊँगा, लेकिन एक थोड़ा समझ लीजिए लेक्चर नंबर 9 का, थोड़ा सा एक आप कह सकते प्री कैप वीडियो को समझ लीजिए। लेक्चर नंबर 9 में क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू के फॉर्म में है, जो कि टाइप 2 के प्रॉब्लम से ही रिलेटेड कर रहा है, जो कि अभी भी मैंने बताया। जेड इक्वल टू देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्या के रूप में ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 टू भी वही है, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू के फॉर्म में ही है, मतलब कि वही टाइप 2 फॉर्म में ही है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिए और सिंगुलर इंटीग्रल निकालिए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन तो जान ही गए कि कैसे निकालेंगे, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब पहले समझ लीजिए, या सिंगुलर इंटीग्रल का मतलब समझ लीजिए, जिसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा, कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, वैसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा उस सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
तो सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज के इस वीडियो लेक्चर लेक्चर नंबर 8 में आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेक्चर नंबर 9 में, जहाँ पर मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपके साथ डील करूँगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।